आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से बनकर रेडी हुआ है। जितना बढ़िया ये देखने में है, उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में हेल्दी और टेस्टी है। तो चलिए हम इसे एक बार कट करके भी आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम इन सभी सब्जियों को कट करके तैयार कर लेते हैं। इसके लिए लिया है मैंने थोड़ा सा फ्रेंच बीन्स, एक गाजर लिया है जिसको छील के अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है, आधा शिमला मिर्च लिया है और छोटा सा टुकड़ा पत्ता गोभी लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम इन सभी सब्जियों को अच्छे से जितना पॉसिबल हो सके उतना इसे बारीक कट करके तैयार कर लेते हैं। मैंने सभी सब्जियों को जितना पॉसिबल हो पाया उतना मैंने इसे बारीक कट करके तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे साइड में रखते हैं और लेते हैं आटा। मैंने गेहूं के आटा का इस्तेमाल किया है, आप इसकी जगह पे मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने एक कप गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है। इसके अंदर डालेंगे स्वाद के हिसाब से नमक, 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे, 1/4 टी स्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट तक इस तरीके से मसलते हुए मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं आटा बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम इसके अंदर डालते हैं ज़रूरत के हिसाब से नॉर्मल पानी और इसका टाइट आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। जिस तरह से पूरी के लिए लगाते हैं उससे हल्का सा टाइट लगाकर तैयार करना है। आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने आटा लगाकर तैयार किया है, पूरी से हल्का टाइट लगाकर रेडी किया है। तो चलिए अब हम इसे ढक देते हैं, ढक के इसे 10 से 12 मिनट तक रेस्ट करने देते हैं। जब तक आटा रेस्ट कर रहा है तब तक हम स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने कढ़ाई में लगभग 1 टेबल स्पून के जितना तेल को गर्म कर लिया है। अब हम इस तेल के अंदर डालेंगे सरसों राई है ये, साथ में डालेंगे 1 करी पत्ता। फ़ौरन जब अच्छे से क्रैकल हो जाए तब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ बीन्स और गाजर, साथ में डालेंगे कटा हुआ शिमला मिर्ची और पत्ता गोभी। सब्जी को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे एकदम बारीक बारीक कट किया हुआ अदरक और हरी मिर्ची, स्वाद के हिसाब से नमक डालेंगे, 1/4 टी स्पून के जितना ज़रूरत के हिसाब से गर्म मसाला थोड़ा सा डाल देंगे। सब्जी को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे ढक देंगे। जब तक सब्जी कुक हो रहा है तब तक हम 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू को छीलकर मैश कर लेते हैं। मैंने आलू को अच्छे से मैश कर लिया हुआ है। लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर सब्जी को पकते हुए 2 मिनट हो गया है, सब्जी बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम इसके अंदर डालते हैं मैश किया हुआ आलू। आलू डालने के बाद हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू डालने के बाद मैंने इसे चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर 1 मिनट और भून लिया है। अब ये बिल्कुल तैयार हो गया है। तो चलिए हम इसे निकाल कर प्लेट में डालते हैं। यहाँ स्टफिंग जो है हल्का ठंडा हो गया है हाथ से छूने लायक। तो चलिए अब हम इसका रेसिपी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो चलिए हम दोबारा से गैस चूल्हा को ऑन करते हैं, इसके ऊपर डाल देते हैं कढ़ाई। आप तवा के अंदर भी बना सकते हैं। इसके अंदर डालेंगे 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। तेल जब तक गर्म हो रहा है तब तक हम छोटा छोटा रोटी बेलकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ आटा को रेस्ट करते हुए 10 से 12 मिनट हो गया हुआ है। तो चलिए हम इसे एक बार इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें से छोटा छोटा गोला तोड़कर तैयार करेंगे। जिस भी साइज में आपको बनाने का मन हो उस हिसाब से गोला तोड़कर तैयार कर लेंगे। अब हम एक बेलन लेंगे, बेलन की सहायता से इसे हल्का सा मोटा बेलकर तैयार कर लेंगे। मैंने इसे हल्का मोटा बेलकर तैयार किया है। तो चलिए अब हम इसके अंदर डालते हैं स्टफिंग जो मैंने तैयार किया था, ज़रूरत के हिसाब से डालेंगे। एक साइड में इसे डालेंगे, इसके ऊपर से डालेंगे मोज़ेरेला चीज़, आप बिना चीज़ का भी बना के तैयार कर सकते हैं। रोटी के साइड साइड से थोड़ा सा हम पानी लगाएंगे। पानी लगाने के बाद हम इसे फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद इसे अच्छे से चिपका देंगे ताकि फ्राई करते समय बिल्कुल भी खुले नहीं।
अच्छे से चिपकाने के बाद अब हम एक कांटे वाला स्पून लेंगे, चम्मच लेंगे और इसे इस तरीके से डिजाइन बनाकर तैयार कर लेंगे। इससे क्या होगा कि डिजाइन भी बन जाएगा और ये अच्छे से चिपक भी जाएगा। आप इसे लहसुन प्याज के साथ भी बनाकर तैयार कर सकते हैं या फिर बिना लहसुन प्याज का मेरे तरह इसके से इसे बनाकर तैयार करें। इस तरह मैंने दो रेसिपी को बना के तैयार कर लिया है। यहाँ तेल भी मीडियम गरम हो गया है, तो चलिए अब हम इसे डालते हैं तेल के अंदर। लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर जब ये एक साइड से गोल्डन ब्राउन फ्राई हो जाए तब हम इसे पलट देंगे। दूसरे साइड से भी लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर जब ये गोल्डन ब्राउन फ्राई हो जाए तब हम इसे निकाल कर प्लेट में डाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से फ्राई होकर रेडी हुआ है। तो चलिए सेम तरीके से हम बाकी के बचे हुए नाश्ते को भी तैयार कर लेते हैं। सभी नाश्ते को बनाने के बाद मैंने इसे सर्व कर दिया है। प्लीज़ इसे एक बार मेरे तरीके से बना के ज़रूर ट्राई करें। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।